एमसीबी जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के जनकपुर में वन विभाग ने डिपो क्षेत्र में समरसता भवन के पास अतिक्रमण हटाने के नाम पर 13 परिवारों के घर में बुलडोजर चलवा दिया है। वन विभाग की इस कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने नाराजगी जाहिर की और आदिवासियों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। सारा मामला एमसीबी जिला के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र का है, जहां वन विभाग के द्वारा कल अतिक्रमण हटाने के नाम पर कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में जेसीबी मशीन चलाकर 13 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है, जिसको लेकर आम लोगों ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह की ठंड में जहां लोगों के रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए, ऐसे समय में कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर वन विभाग के द्वारा गरीबों के मकान में बुलडोजर चलाया जा रहा है। जनता के साथ दौरी नीति करना विधायक बंद कर दे, यदि यही रवैया रहा तो जनता उग्र होगी और आम आदमी पार्टी जनता का साथ देगी। वहीं अब देखना यह होगा कि कब तक राजस्व और वन विभाग की ऐसी कार्यवाही से लोगों के आशियाने उजड़ते रहेंगे। परंतु देखना यह है कि जब अतिक्रमण करके मकान बनाए जा रहे थे, तब वन विभाग आंख मूंद कर क्यों सो रहा था? उस वक्त ही अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए था। वन अधिकार पट्टे के नाम पे वन विभाग के अधिकारियों ने खूब मलाई खाई है। यदि वास्तव में वन अधिकार की जांच की जाए तो 60-80% पट्टे फर्जी पाए जाएंगे, परंतु इसकी जांच तो कभी होगी नहीं। छत्तीसगढ़ के जनकपुर से अब्दुल सलाम कादरी की खास रिपोर्ट। आज जो वन विभाग के द्वारा जो कार्यवाही किया गया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब यहाँ नए घर बना रहे थे तो वन विभाग का सोए हुए थे पट्टी लगा करके, उन्होंने तो देखा होगा ना कि यहाँ पे घर बनाया गया है। और इस पर मैं घोर निंदा करती हूँ आज का कार्यवाही का। और मैं शासन और प्रशासन को मैं पूछना चाहती हूँ कि इस तरह से एक तरफ से उनके और एक तरफ से पट्टा बांट रहे हैं और एक तरफ से घर गिराया जा रहा है, का शासन के जनता के साथ में यही दूरी नीत किया जाएगा? और मैं और कहना चाहूँगी विधायक महोदय जी को कि भगवान पुनः बैठ के चाय पी रहे हैं और जनता यहाँ घर गिराया जा रहा है, लेकिन इस तरह से विधायक महोदय जी का करनी और कथनी है तो मैं कहना चाहूँगी ये दोहरी नीत करना बंद कर दें। अब जनता जान चुकी है, जनता समझ चुकी है और इसी तरह का रवैया इनका रहेगा तो जनता उग्र होगी, आम आदमी पार्टी उसके साथ में है। जितने हमारे जनकपुर क्षेत्र के रिहायशी इलाका है वो कंपार्टमेंट लगा हुआ है, तो उसको अतिक्रमण से मुक्त कराना था ताकि हम लोग के पर्यावरण को भी सुरक्षा मिल सके। हम लोग का सोचता है इसमें, और पहले से भी जो किए थे उनको दो दो तीन तीन बार नोटिस दिए जा चुकी है, उसके तहत हम लोगों ने वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस हमले के विशेष सहयोग के तौर से हम लोगों ने अतिक्रमण घटाया है। कुल 30 अतिक्रामक थे, उन लोगों में से 13 का हम लोग 17 का कर चुके हैं और 13 का बचा हुआ है। ये कौन सा कक्ष क्रमांक है सर? ये कक्ष क्रमांक 1267 है। दूसरी ओर जनकपुर में जिस तरह से जो इस ठंड के समय में जहां पर लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था की जानी चाहिए, रैन बसेरा की व्यवस्था की जानी चाहिए, ऐसे समय में अगर यहां के कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर अगर गरीबों का मकान गिराया जा रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जनकपुर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, अधिकांशतः वहाँ आदिवासी वर्ग के लोग रहते हैं और अगर उनका मकान इस समय गिर रहा है तो ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस के लोग किस आधार पर काम कर रहे हैं, किस नीति पर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये काफी निंदनीय बात है, ठंड के समय इस तरह की घटना, इस तरह की कार्रवाई, वो भी अतिक्रमण हटाने के नाम पर। अगर वहाँ आदिवासी वर्ग के लोग रहते हैं तो सरकार एक और उनको कहती है हम पट्टा बना के देंगे, ये कैसा पट्टा बना के दे रहे हैं, ये किस तरह की बात करते हैं कांग्रेस के लोग, इनकी कथनी और करनी में जो अंतर है वो जनकपुर की घटना से साफ देखा जा सकता है। वन विभाग के द्वारा पुलिस विभाग को एक सूचना दिया गया था कि अतिक्रमण हटाने के लिए सहयोग की मांग की गई थी, जिसके उपलक्ष्य में थाना जनकपुर, किल्हारी, कोटाडोल और इत्यादि मेरे सब डिवीजन मनेंद्रगढ़ के स्टाफ, पुलिस स्टाफ आए हुए थे और आकर के फॉरेस्ट विभाग को अतिक्रमण तोड़ने के लिए सहयोग प्रदान किया गया है।